गौतम गंभीर के हेड कोच बनते ही संन्यास का ऐलान करेंगे। यह तीन खिलाड़ी और कोच बनते ही इन खिलाड़ियों की बढ़ जाएगी टेंशन। जैसे ही गौतम गंभीर कोच बनेंगे, इन खिलाड़ियों की नहीं चलेगी मनमानी, हो भी सकते हैं टीम से बाहर। बीसीसीआई टीम इंडिया के नए हेड कोच की तैयारी में है। गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और ऐसे में गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बनाया भी जा सकता है। लेकिन अगर गौतम गंभीर हेड कोच बन गए तो हो सकती है इन तीन खिलाड़ियों को दिक्कत। और इतना ही नहीं, यह तीन खिलाड़ी कर भी सकते हैं संन्यास का ऐलान। और अगर यह खिलाड़ी संन्यास का ऐलान नहीं करते हैं तो पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर इन्हें दिखा भी सकते हैं टीम से बाहर का रास्ता। और ऐसा इसलिए क्योंकि गंभीर अपने आक्रामक रवैया और कड़क फैसलों के लिए जाने जाते हैं। चलिए जानते हैं कौन है यह तीन खिलाड़ी जिनको हो सकती है दिक्कत। नंबर तीन, रविंद्र जडेजा। यह बात तो पूरी तरह से साफ है, रविंद्र एक होनहार ऑलराउंडर है और उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुसीबत से भी निकाला है, लेकिन T20 मैच में इनका कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है और यह अभी के वक्त संघर्ष से जूझ रहे हैं। गेंद के मामले में यह अभी ठीक ठाक हैं, लेकिन यह अपने बल्ले से आग नहीं उगल पाए हैं। और अगर ऐसे में गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो इनको दिक्कत हो सकती है। और अगर यह अपनी परफॉर्मेंस को नहीं संभालेंगे तो गौतम गंभीर इन्हें टीम से बाहर का भी रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह टीम के प्रदर्शन के साथ लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो टीम इंडिया में रहने के लिए जडेजा को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर दो, हार्दिक पांड्या। रविंद्र जडेजा के अलावा हार्दिक पांड्या भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक दो मैचों में ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और आप इस साल की इनकी आईपीएल परफॉर्मेंस देख लीजिए जो बिल्कुल ही साइलेंट रही है। इन्होंने आपकी साल आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की है और जब से इन्होंने मुंबई को ज्वाइन किया तब से इनके फैंस भी इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और इन्हें कई कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस के बाद भी इनकी टीम इंडिया में जगह बनी हुई है और इनका प्रदर्शन तो बिल्कुल औसत ही नजर आता है। अगर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बनते हैं तो इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गंभीर हार्दिक को मौके तो देंगे, लेकिन अगर मौके का फायदा हार्दिक ने नहीं उठा पाया तो गंभीर इन्हें टीम से बाहर भी कर सकते हैं और इसीलिए हार्दिक को अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी होगी। नंबर एक, विराट कोहली। विराट कोहली वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम इंडिया को कई बार एक अच्छी पारी खेलकर मैच जिताया है और इन्होंने अपने बल्ले से धुआंधार पारी खेलकर कई गेंदबाजों को भी परेशान किया है, लेकिन आजकल यह बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। और गौतम गंभीर, विराट कोहली दोनों की आपस में बहुत ही कम बनती है क्योंकि इन दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और पिछले साल आईपीएल के दौरान इन दोनों के बीच बहस भी हुई थी। हालांकि इस साल आईपीएल के दौरान इन दोनों के बीच यह मनमुटाव बिल्कुल खत्म हो गया था और दोनों खिलाड़ियों ने सुलह भी कर ली थी। और यह तो आप सब जानते ही हैं कि इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहते हैं और इन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है। ऐसे में अगर गंभीर और विराट कोहली के ड्रेसिंग रूम में विचार मेल नहीं खाते हैं तो विराट कोहली संन्यास का भी ऐलान कर सकते हैं।